हेलो फ्रेंड्स, आज हम अप्लाई करने वाले हैं बनाना फेशियल। जो हम अपने फेस पे बनाना फेशियल अप्लाई करते हैं तो ये ना सिर्फ आपके एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करता है, यहाँ तक कि आपके सन टैनिंग को भी रिमूव कर देता है और साथ में आपके स्किन पे जितने भी ब्लैक स्पॉट पड़े हैं उसको भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो आपके स्किन को ग्लो करने में काफ़ी हेल्प करता है। उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू मौर्या और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है एंटी मौर्या स्टाइल। तो बिना देरी करें चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे वो फर्स्ट होगा हमारा फेस क्लींजिंग का, देन उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होगा फेस स्क्रब का, देन हमने यहाँ पे फेस पैक बनाया थर्ड स्टेप। तो यहाँ पे ये 3 रेमेडी जो मैंने बनाई है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट रेमेडी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप तो ले लीजिए बनाना और बनाना को छील के यहाँ पे काट के एक बाउल में मैश कर लीजिए उसको अच्छी तरह से, ताकि बनाना का एक पेस्ट सा बन जाए। तो बनाना के बारे में मैं आपको बताऊं तो बनाना में एक नेचुरल मॉइस्चराइजर पाया जाता है। अगर हम इसे फेस पे अप्लाई करते हैं तो एक नरिशिंग प्रोवाइड करता है और साथ में जो विटामिन ए इसमें पाया जाता है वो ड्राई स्किन और जो भी आपकी स्किन डलनेस होती है उसको रिमूव करके मॉइस्चराइजर बनाने का काम करता है। तो चलो यहाँ पर हम पहले बनाना को जो है कि मैश करके उसका पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बनाना को मैश करके एक पेस्ट सा बना लिया है। तो बढ़ते हैं अपने फेस क्लींजिंग की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ले लेना है बाउल में 2 चम्मच बनाना जो हमने पेस्ट बनाया है। तो यहाँ से 1 से 2 चम्मच आप बनाना पेस्ट ले लीजिए। देन उसके बाद आपको इसमें मिक्स करना है रॉ मिल्क, आपको 1 से 2 चम्मच रॉ मिल्क इसमें मिक्स कर लेना है। इसके बाद इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम पेस्ट बना लेंगे, एक मिक्स कर लेंगे ताकि दोनों में जो विटामिन्स पाए जाते हैं वो आपस में मिक्स हो जाए। तो चलो हम इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। देन उसके बाद जब भी हम अपने इसको फेस पे लगाएंगे तो आपके जितने भी डलनेस वगैरह है उसको ये रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे हमने चलो मिक्स कर लिया है, देन अब बारी आती है अपने फेस पे अप्लाई करने की। तो यहाँ पे मैं फेस पे अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपको सबसे पहले अपना फेस वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये जो पेस्ट बनाया था ये ले लिया है और इसे हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे एक क्लिंजर की तरह। 1 से 2 मिनट तक मसाज करेंगे ताकि हमारे जो स्किन की डलनेस है वो रिमूव हो सके। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ रॉ मिल्क के बारे में। रॉ मिल्क में पाया जाता है लैकिटैकिस जो स्किन को एक्सफोलिएट करता है, साथ में आपके स्किन को ब्राइटनेस बनाने का काम करता है और साथ ही साथ में ये आपके स्किन को मॉइस्चराइजर भी करता है। तो बनाना और रॉ मिल्क जो हमने लिया है ना सिर्फ आपके फेस को क्लीन करता है बल्कि आपके स्किन को हाइड्रेट करता है। देखो जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो सन की लाइट हमारे फेस पे लगती है जिससे कि हमारे स्किन पे सन टैनिंग की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो बनाना में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो सन लाइटिंग से वो प्रोटेक्ट करता है हमें। तो काफ़ी अच्छी रेमेडी है ये। तो 1 से 2 मिनट के बाद मसाज करने के बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है। सेकेंड स्टेप को फॉलो करने के लिए हमें देन उसके बाद दोबारा से हमें लेना होगा बनाना पेस्ट जो हमने बनाया था। 1 to 2 स्पून आप बनाना पेस्ट ले लीजिए। देन उसके बाद आपको 1 स्पून लेना है शुगर को, यानी कि चीनी। चीनी हमारे फेस को स्क्रबिंग करने का बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और देन उसके बाद यहाँ पे मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल। अगर आपके पास प्लांट है तो वो भी आप मिक्स कर सकते हैं क्योंकि वो फ्रेश एलोवेरा जेल होता है। तो चलो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देन देखिए यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है, ये कुछ इस तरह से हो गया है। देन इसके बाद बारी आती है अपने फेस पे अप्लाई करने की, क्योंकि यहाँ पे जो हमने शुगर लिया है वो एक नेचुरल स्क्रबिंग का काम करता है जिससे हमारे पोर्स में जितने भी डलनेस वगैरह है उसको रिमूव कर सके। आपके सीबम में जितने भी डस्ट वगैरह जमा हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, उसको रिमूव कर देता है ये स्क्रब। बनाने में ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो आपके कोलेजन को इंक्रीज़ कर देता है जिससे आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाती है, स्किन को हेल्थी रखता है, इससे आपकी स्किन शाइनिंग हो जाती है। इसलिए फेशियल में स्क्रबिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो आपके स्किन को ग्लो करने में काफ़ी हेल्प करता है ये चीज़, क्योंकि स्क्रबिंग का काम ही यही होता है कि आपके स्किन के जितने भी डेड सेल्स है उसको रिमूव कर देना, ठीक है। देन उसके बाद ये आपके स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ कर देता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आपको मसाज 4 से 5 मिनट तक करनी है अपने फेस पे एक स्क्रब की तरह बिल्कुल हल्के हाथों से।
जब आप 4 से 5 मिनट तक स्क्रब कर लेंगे देन उसके बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है। तो चलो हम अपना फेस वॉश करके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। हमें अपने थर्ड स्टेप्स को फॉलो करने के लिए दोबारा से लेना पड़ेगा यहाँ पे बनाना पेस्ट। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून बनाना पेस्ट ले लिया है। देन उसके बाद आपको इसमें मिक्स करना है थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी। आप चाहे तो बाज़ार से ले सकते हैं मुल्तानी मिट्टी, 20 रुपीज़ का ही आराम से मिल जाता है। और अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी नहीं भी है तो आप कोई सा भी पेस्ट इसमें मिला सकते हैं, लाइक चंदन का कुछ भी। देन उसके बाद यहाँ पे गुलाब जल डाल के इसको अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिला लिया है। देन यहाँ पे हम इसको पेस्ट बना लेंगे। तो ये लगभग पेस्ट सा बन चुका है। देन उसके बाद चलो बारी आती है अपने अपने फेस पे अप्लाई करने की। तो अब बारी आती है अपने फेस पे फेस पैक लगाने की। जो हमने फेस पैक बनाया है अब उसे हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये पैक जो हमने बनाया है, अगर यहाँ पे हम बात करें मुल्तानी मिट्टी की, तो देखो मुल्तानी मिट्टी एक आपके फेस को ना एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। जितने भी आपके स्किन पे एक्ने स्कार्स हैं उसको रिमूव कर देता है। और बनाना में जैसे कि आपको पता है इनमें कोलेजन को इंक्रीज कर आपके रिंकल्स वगैरह को कम कर देता है, यानी कि एंटी एजिंग को कम कर देता है। साथ में आपके स्किन को शाइनिंग बनाता है। आपकी अगर ड्राई स्किन है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, काफ़ी अच्छा पैक है जो हमारे स्किन को बहुत अच्छा एक नरिशिंग ग्लो प्रोवाइड करता है और आपके स्किन को साथ में हाइड्रेट भी करता है। देन उसके बाद आप अपने फेस पे क्या करिए, आप पैक लगा लीजिए। क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे ये थोड़ा सा पैक लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये जो मैंने बनाना पेस्ट बनाया है ना थोड़ा सा थिक है ये, तो इसलिए आपको बहुत ही आराम से लगाना पड़ेगा। जब आपका पैक सूख जाए देन उसके बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है। तो काफ़ी अच्छी रेमेडी है ये, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी तरह की वीडियो अपलोड होती रहती है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह के हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।